नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रत्यय के बारे में बेसिक जानकारी बताई और उसमें त्वा और आपको जो है लेप प्रत्यय के बारे में बताया। अब लेके चलते हैं संस्कृत के और प्रत्ययों के बारे में, कृत प्रत्यय के बारे में। जैसे दोस्तों अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय जो है यह जो लगता है यह योग्यता या सकने का बोध करता है। और आपको बता दें दोस्तों, ये जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में अनीय रहे यही न अण में बदल जाता है रसाभ्याम नोड़ समान पदे से, इसलिए ध्यान में रखिएगा अणीय भी शेष हो सकता है। जिस शब्द के अंत में अनीय या अणीय रहेगा तो याद रखिएगा वहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है। और यह किसका बोध करता है? योग्यता या सकने का बोध करता है, जिसे अंग्रेजी में कैन कुड इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देते हैं हम आपको, जैसे देख लें अब आप करतुम, सॉरी करणीय। अब आप देख रहे हैं इस शब्द के अंत में क्या आया है? अणीय आया है। इसी तरह से अगर हम कह दें गमनीय, आप देख रहे हैं कि म में आ है उसके बाद अनीय है। इसी तरह से कह दें हम हसनीय, आप देख रहे हैं अनीय आया है। इस तरह से आप किसी भी प्रत्यय का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हम कह दें पठनीय। और एक बात और, अगर म अंत में हलंत में है, विसर्ग है या स्त्रीलिंग का बोधक आ प्रत्यय है तो भी आप यही समझिएगा, अर्थात अगर यहाँ पर करणीयम लिखा है तो भी आपको अनीय ही देखना है, म नहीं देखना है। इसी तरह से अगर करणीया दिया है तो भी आपको क्या करना है? ये अनीय ही देखना है, अनीय ही देखना है। ये आ तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए जुड़ा है, ये नपुंसक लिंग बनाने के लिए जुड़ा है, और ये जो है विसर्ग जो लगता है ये पुल्लिंग बनाने के लिए लगता है। इसी तरह से गमनीयम गमनीया, हसनीयम हसनीया, पठनीयम पठनीया, दर्शनीय दर्शनीय, क्या आया है? अनीय आया है। जैसे हम कहते हैं रमणीय, आप देख रहे हैं अणीय आया है। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर अनीय या अणीय लगा हो तो समझ जाइएगा अनियर प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है योग्यता या सकना। जैसे करणीय करने योग्य, पठनीय गमनीय जाने योग्य, हसनीय हंसने योग्य, पठनीय ये सब जो चीज़ें हैं दर्शनीय देखने योग्य, योग्यता या सकने का बोध करता है। अब लेके चलते हैं आपको एक तद्धित प्रत्यय है जिसका नाम है छ प्रत्यय। सेम दशा इसमें भी ऐसा लगता है कि यही शेष बचता है, लेकिन ये छ जो है ये तद्धित प्रत्यय है। ये शब्दों में लगता है जबकि ये क्रियाओं में लगता है। और तद्धित प्रत्यय, इस छ प्रत्यय में क्या शेष बचता है? जिस भी शब्द के अंत में, शब्द के कहां अंत में क्या आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में ईय रहे तो समझ जाइएगा वहां पर ईय प्रत्यय न बताइएगा, वहां पर हमेशा छ प्रत्यय बताइएगा। उदाहरण के रूप में देखिए, अब आप जैसे हम कहते हैं अर्जुनीय, और आपने देखा कि अर्जुन सार्थक शब्द है और इस शब्द के अंत में ईय आया है। अगर शब्द के अंत में ईय आता है तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? छह प्रत्यय होता है। एक बात और बता दें, यहाँ पे अनीय नहीं आ रहा है, उनीय दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर अनियर प्रत्यय नहीं है। जैसे हम कहते हैं पुस्तकीय, आप देख रहे हैं पुस्तक सार्थक शब्द है और उसके पीछे क्या है? ईय लगा है। इस तरह से क्या बना? जैसे हम कहते हैं भवदीय, भवद मतलब आप होता है, सर्वनाम के बाद लगा है ईय, इसका मतलब क्या हुआ? छह प्रत्यय हुआ। इस तरह से आपके अनियर और छह प्रत्यय कंप्लीट हुआ। लेके चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। जैसे दोस्तों इसके बाद प्रत्यय आता है आपका तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जो लगता है ये अंग्रेजी में फॉर का सेंस देता है और हिंदी जगत में के लिए का बोध करता है। किसका? के लिए का। तो याद रखिएगा दोस्तों,
तुमुन जो होता है यह के लिए का बोध करता है और इसमें जो शेष होता है वह तुम रहता है। और आपको बता दें ये जो त है ट में बदलता है किसमें, जैसे आपका दृश्य धातु है और आपका प्रक्ष धातु है, इसी तरह से आपका ये ध में भी बदलता है, धुम भी हो जाता है किसमें, लभ धातु में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और बता दें ये ढ में भी बदलता है किसमें, अर्थात तो ढुम भी हो जाएगा किसमें, जैसे आपका उढ़ धातु है। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल दे दें आपको हम, जैसे हम कह दें करतुम और ये गुड़ादेश कर रहा है, री अर में बदल जा रहा है, इतना न तम झम आप जाने, बस इतना जाने आप, इस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है। जब किसी शब्द के अंत में तुम आए या फिर यह तुम हो जाए या धुम या ढुम हो जाए तो समझ मतलब उम रहेगा ही। तो आप देख रहे हैं कि तुम या उम आ रहा है शब्द के अंत में, तो कौन सा प्रत्यय, तुमुन। रटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये और ये यहाँ से देखिए मैच कर रहा है, प्रत्यय का नाम और जो शब्द होता है वह मैच करता है अक्सर, तो देख रहे हैं आप मैच कर रहा है। इसी तरह से कहते हैं हम द्रष्टुम, यह गुणादेश करता है। अगर किसी भी क्रिया के आरंभ में जैसे क्री धातु है तुमुन जुड़ा तो ये री अर में बदल गया तो ये अर हो गया, इसी तरह से ये जो दृश्य धातु है ये री अर में बदल गया तो ये अर हो गया, द्रष्टुम हो गया। इसी तरह से दोस्तों आपको बता दें जैसे गंतुम, हसितुम, पठितुम, अब देख रहे हैं आप तुम 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 तुम, इस तरह से किसी भी शब्द के अंत में तुम तुम, जैसे अब देख लें आप त्रष्टुम हो गया, इसी तरह से प्रक्ष धातु में प्रष्टुम हो जाएगा, इसी तरह से लभ धातु में अगर तुमुन प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, लभ धुम हो जाएगा। देख रहे हैं आप उम आ रहा है इसका मतलब कौन सा है, तुमुन प्रत्यय है। इसी तरह से जैसे कह दें उड़ धातु है इसमें क्या लगा, तुमुन प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा, ये उ गुड़ादेश होकर के ओढ़ुम हो जाता है। इस तरह से आपने देखा तुम ढुम ढुम इत्यादि कभी भी ना कुछ समझ में आए तो उम उम अगर अंत में रहे तो समझ जाइए वहाँ कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। इसके बाद लेके चलते हैं आपको तब्यत प्रत्यय की तरफ, कौन सा प्रत्यय दोस्तों, तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय जो लगता है यह चाहिए का सेंस देता है, अर्थात जो भी शब्द रहेगा इससे बना हुआ उसका अर्थ रहेगा चाहिए, करना चाहिए, हंसना चाहिए, पढ़ना चाहिए इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जैसे देख लें हम कह दें पठितव्यम, इसमें क्या शेष रहता है, जिस शब्द के अंत में तव्य रहे, ये त ट भी हो जाएगा, तव्य भी हो सकता है। इस तरह से जैसे देखें आप तव्य आया, इसी तरह से कह दें हसितव्य, तव्य आया, इसी तरह से कह दें गंतव्य, तव्य आया, इसी तरह से कह दें हम कर्तव्य, तव्य आया, इसी तरह से कह दें द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, तव्य आया। इस तरह से किसी भी शब्द के अंत में तव्य टव्य इत्यादि रहे तो समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय मैच करता है। जैसे देखें तब यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, जो शब्द रहेगा उससे अब प्रत्यय के नाम में मैचिंग होती है। जैसे पठितव्यम का मतलब होता है पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, गंतव्य जाना चाहिए, करना चाहिए, देखना चाहिए इत्यादि जो होता है ये चाहिए का बोध कराता है। इसी तरह से दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रत्यय है त प्रत्यय, और त प्रत्यय जो होता है यह भूतकाल में लगता है, अर्थात इससे बना शब्द भूतकाल का होता है। और त प्रत्यय जो होता है यह जो है त प्रत्यय में जो शेष बचता है वह तह बचता है, कभी कभी यह इटागम होकर इतह भी हो जाता है। इसी तरह से ये त ट में भी बदल जाएगा किसमें, दृश्य धातु में और प्रक्ष धातु इत्यादि धातुओं में। इसी तरह से ये त ध में भी बदल जाएगा किसमें, लभ धातु में।
इसी तरह से ये न में भी बदल जाएगा किसमें, छिद या भिद धातु में। छिद या भिद धातु रहेगा तो वहाँ पर त न होकर के न हो जाएगा। इसी तरह से जब वह दृश्य या प्रक्ष धातु होगा तो तह न बच करके टह बचेगा, जब लब धातु होगा तो तह न होकर के धह हो जाएगा। इसी तरह से ये ढह भी हो जाता है किसमें, आपको बता दें दोस्तों ये जो ढह होता है ये वास्तव में जैसे हम कहते हैं मुँह धातु है, उड़ धातु है इत्यादि में। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे हमने कह दिया गतः, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, तह आ रहा है, ये बना है गम धातु में त प्रत्यय करके। अब कभी पूछा जाए गतः शब्द में किस काल का बोध करता है, तो ये भूतकाल का हो गया, अर्थात क्रिया हो चुकी है। इसी तरह से हम कह दें कथितः, अब आप देख रहे हैं कि शब्द के अंत में इतः आया है, जैसे हम कह दें पठितः, आप देख रहे हैं शब्द के अंत में इतः आया है। इसी तरह से हम कह दें दृष्टः, आप देख रहे हैं क्रिया के अंत में टः आया है। इसी तरह से हम कह दें लब्धः, आप देख रहे हैं क्रिया के अंत में धः आया है। इसी तरह से कह दें छिन्नः, आप देख रहे हैं क्रिया के अंत में न है, शब्द के अंत में न है। इसी तरह से अगर कह दें भिन्नः, आप देख रहे हैं शब्द के अंत में न है। इसी तरह से हम कह दें मूढ़ः, आप देख रहे हैं कि शब्द के अंत में ढ है। इस तरह से किसी भी शब्द के अंत में तह इतह टह धह नह ढह आए तो समझ जाइएगा वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है। अब त प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, भूतकाल के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रत्यय हम अगली बार बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।